हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। किसी को अटैक हुआ, अब उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसका पता लेने गए, उसका हाल पूछने गए, बहन क्या हुआ वो, अरे 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 इसको दिखाओ अच्छे से, मेरे ताजी को, वो तो वो 3 दिन बाद ही, वो अच्छा खासा था उसको। किसी का मनोबल उठा नहीं सकते तो गिराओ तो मत, किसी को पल भर की खुशी नहीं दे सकते तो गम तो मत दो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो, लेकिन क्या करें, चुगली में आनंद आता है। एक बार शुरू हो जाओ चुगली करनी, कहां से कहां पहुंच जाते हैं हम। एक समय भी हो रहा है, अब एक चुगली का प्रसंग सुनाता हूं आपको, चुगली का फल क्या मिलता है, ध्यान से सुनना, खासतौर मेरी मातृशक्ति। एक बादशाह थे, उनका क्रम था प्रतिदिन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक दान करते थे वो, अक्सर उनका काम था 9 से लेकर 10 बजे तक बांटना। आज महात्मा बांटकर 10 बजे के बाद घोड़े के तवेले में आ गए, तवेले में आए, उसके बाद बादशाह बांटकर घोड़े के तवेले में आ गए, उसके बाद तवेले में एक महात्मा चले आए और आकर वाजदी भिक्षाम। बादशाह कहने लगे, महाराज आज का तो बांट दिया, कल आना। तो महात्मा कहने लगे, भाई फकीर को खाली नहीं मोड़ते, कुछ भी डाल दो कास्ते में मेरे में, जो चाहो वो डाल दो। बादशाह बोला, रे बोल दिया ना आपको, आपको बोल दिया, कल आना। अरे महाराज खाली मत मोड़ो, कुछ भी डाल दो, जो आपका दिल चाहे वो डाल दो, पर महात्मा को खाली मत भेजो। बादशाह को गुस्सा आया, वहां पर घोड़े का गोबर यानी जिसे लिद बोलते हैं, घोड़े का गोबर उठाया और महात्मा के कस्से में डाल दिया। महात्मा बोले, खुश रहो, निकल गए। समय गुजरा, 1 साल 2 साल समय गुजरने के बाद क्या हुआ, एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में जा रहे हैं, रास्ता भटक गए। ऐसा रथ, यह है कहानी है, लेकिन अच्छे से समझना इसको, ये कहानी हमें क्या शिक्षा दे रही है, क्या प्रेरणा दे रही है। बादशाह जंगल में रास्ता भटक गए, पानी की प्यास बहुत लगी है, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत दूर सामने एक छोटा सा कुटिया दिखाई दी, छोटी सी कुटिया, घोड़ा लेकर वहां पर गए, देखा एक महात्मा ध्यान में मस्त है, प्रणाम किया महात्मा को कि महाराज पानी मिलेगा। महात्मा ने आंखें खोली, बोला अंदर से ले लो, अंदर एक छोटा सा कमरा और बना हुआ था। जैसे ही कमरा खोला तो क्या देखा, पूरे का पूरा कमरा घोड़े के गोबर से यानी लिद से भरा हुआ था, इतनी स्मेल आ रही थी। एक एक बादशाह बाहर आया, अरे महाराज अंदर ये क्या है, यहां पर घोड़े आसपास दिखाई भी नहीं दे रहे और इतनी घोड़े का गोबर कहां से आया। महात्मा कहने लगे, क्या बताऊं, कुछ समय पहले एक महाराज एक राजा के पास गया था, बादशाह के पास गया था, उसने मेरे कासे में गोबर डाला था। अब महात्मा को तो जो दे गए वो बढ़ता ही जाएगा भाई, ये उसी का है। बादशाह को भी याद आया, चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। राजा माफी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, इधर बादशाह कहने लगे भी इसका कुछ नहीं हो सकता, महाराज क्या होगा, ये सारी की सारी इस जन्म जागले जन्म तुझे खानी पड़ेगी। अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो, घोड़े के लिए कैसे खाऊं मैं, ये तो खानी पड़ेगी। अरे महाराज कुछ और बताओ, अब ध्यान से सुनना। महात्मा कहने लगे, अगर तुम चाहते हो ये खत्म हो जाओ,
कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारी चुगली करें, लोग तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हारी बुराई करें। बस इतनी बात समझने की देर थी, बादशाह नगर में वापस आया महात्मा से रास्ता पूछकर। एक बॉटल ली, उसमें मदरा जैसा कलर का शरबत बनाया और एक लड़की साथ में लेकर घूमने लगा और जगह जगह बातें होने लगी। अरे हमारा बादशाह मदरा पीता है, पर स्त्री के साथ रहता है। 6 महीने लगातार बादशाह ऐसे ही घूमता रहा। 6 महीने के बाद सोचा चलो महात्मा की कुटिया में जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ। कुटिया में पहुंचे, प्रणाम किया कि महाराज मेरी निंदा शायद बहुत लोगों ने की, क्या हुआ? महात्मा बोले अंदर देख लो। खोल कर देखा, सभी की सभी लिद खत्म हो चुकी, बस एक ही पीस बाकी था। वो कौन सा? जो डाला था। अरे महाराज वो एक पीस पड़ा है, इसका क्या करूं भाई? ये इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे महाराज इसका भी तो कुछ बताओ, ये तो फिर बढ़ जाएगी। महात्मा कहने लगे ऐसे कर, जंगल में एक साधु रहते हैं, उस स्थान पर अगर वो जरा सी भी तुम्हारी निंदा कर दें तो ये भी खत्म हो जाएगा। बादशाह घोड़े पर बैठा, उस महात्मा के पास चला गया, उस बाबा के पास चला गया, जाकर प्रणाम करके बैठ गया और कहने लगा। बादशाह खुद कहने लगा, अरे महाराज आपको पता है हमारे नगर का राजा शराब पीने लगा है, पर स्त्री के साथ रहने लगा है। महात्मा ने, बाबा ने आंखें खोली, कह ले खड़े हो, लिद तेरे ऐसे किए तू खाएगा, चल बाहर निकल, मैं नहीं खाने वाला। महात्मा तो महात्मा थे, फिर वापिस आया, अरे महाराज अब क्या करूं बताओ। लेकिन महात्मा दरिया दिल होते हैं, दयावान होते हैं। महात्मा कहने लगे अब इसका कुछ नहीं होने वाला, इसको जलाकर इसकी राख बना ले और प्रतिदिन अपने मस्तक पर ग्रहण करता रहे, अपने हाथों पर ग्रहण करता रहे, इस प्रकार ये खत्म हो जाएगी। अब वो पूरी लिद जो कमरे में थी वो कहां गई अब बताओ? हाँ जी थोड़ा अच्छे से बताओ कहां गई? चुगली करने वाले के खाते में चली गई। आप देखो कल से चुगली करोगे? कल से? किसने आज से? किसने बोला? शुक्र है आज से चुगली? अरे नहीं महाराज टाइम पास कैसे होगा, पूरा दिन क्या करेंगे? जितना समय चुगली में बर्बाद करते हो उससे आधा समय भी आप भगवान के नाम पे लगाकर देखो, लगाकर तो देखो, 15 दिन के लिए लगाकर देखो। बहुत से लोगों की सोच है कि भगवान का नाम तो जब बूढ़े होंगे तब लेंगे, अब तो मस्ती करने दो। बहुत से लोग कहते हैं जब बूढ़े होंगे तब भगवान का नाम लेंगे, तो मैंने वो सुनाया था, फिर सुनाता हूं आपको कि सुबह शाम अच्छे ख्वाब आ रहे हैं, सुबह शाम अच्छे ख्वाब आ रहे हैं, लिफाफे में महंगे गुलाब आ रहे हैं। आजकल लिफाफे में सिंगल सिंगल पीस आता है, देखा होगा आपने, वो 14 फरवरी को देते हैं, वैलेंटाइन डे कहते हैं उसको, है ना? उसको गुलाब का फूल देते हो तब भी बात नहीं बनती अच्छे से, कभी माँ को कागज का फूल ही देकर देखना तब भी बात बन जाएगी। अपनी माँ को कभी कागज का फूल ही देकर देखना तब भी बात बन जाएगी। वो फूल जितने दिए आपने वो 2-3 महीने 1 महीने के बाद सब खत्म। सुबह शाम अच्छे ख्वाब आ रहे हैं, लिफाफे में महंगे गुलाब आ रहे हैं। अरे जिनका नाम जपा था जवानी में बुढ़ापे में वही तो काम आ रहे हैं। बुढ़ापे में और क्या और काम आएगा बताओ? कोई नहीं काम आने वाला, सिर्फ वही एक काम आएगा। अभी उसको बोल दो कि प्रभु तेरे सहारे मोरी गाड़ी, तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने राधे, तू जाने तेरा काम जाने राधे, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने राधे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। सभी दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए, सभी दोनों हाथ हरी बोल। छोड़ दिया सब भार तुम्ही पर, छोड़ दिया सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, छोड़ दिया सब भार तुम्ही पर, छोड़ दिया सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, हमको आस तुम्हारी, हमको आस तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने, हमको आस तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने राधे, तू जाने तेरा काम जाने राधे, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने राधे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। हरी वो जब से शाम तेरी शरण में आया, जब से शाम तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, जब से शाम तेरी शरण में आया, जब से शाम तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी, मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने राधे, तू जाने तेरा काम जाने राधे, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने राधे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। हरी वो एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में शाम तेरे यही अरदासा, चरणों में शाम तेरे यही अरदासा, एक भरोसा एक ही आशा,
आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में शाम तेरे यही अरदासा, चरणों में शाम तेरे यही अरदासा। रखना लाज हमारी, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, राधे, तू जाने तेरा काम जाने, राधे, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, राधे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा तक पहुंचाओगे तुम ही, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम ही, भव से पार लगाओगे तुम ही, भव से पार लगाओगे तुम ही, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम ही, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम ही, भव से पार लगाओगे तुम ही, भव से पार लगाओ करेंगे मौज सवारी, जय जय मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, राधे, तू जाने तेरा काम जाने, राधे, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, राधे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आइए आज की वाणी को विश्राम की ओर लेकर चलते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर दिव्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। दिव्य प्रसाद आप सब लोगों को पता है, आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से बिल्कुल निशुल्क सेवा है। जो नए लोग आए हैं उनको बता दूं, कोई भी प्रसाद को पीछे की पॉकेट में नहीं डालेगा और कोई प्रसाद को लेदर के पर्स में नहीं डालेगा। प्रसाद अब लेते समय, सुबह ग्रहण करते समय क्या मांगना है, एक साथ बोलो सब लोग, प्रभु सबका भला करना। अब लेते समय भी, सुबह और रात्रि को, ग्रहण करते समय भी, प्रभु सबका भला करना। और जब तक सबका भला मांगते रहोगे कभी किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बड़े से बड़े रोग को दूर करेगा। कैसे शुगर, बाईपास सर्जरी, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हुई, क्यों हुई, क्यों हुई, क्योंकि इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। जब तक स्वार्थ नहीं है तब तक जी हर बड़े से बड़े रोग से मुक्त करेगा। और जिस दिन किसी का स्वार्थ आ गया, जब स्वार्थ आ गया तो जी कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या है, संस्थान की निस्वार्थ सेवा और आप लोगों के भाव और ठाकुर जी की कृपा। बस मांगना है प्रभु सबका भला करना।
किसी भी रूप में किसी की सेवा, संस्थान में प्रेमधाम में एक संस्था चल रही है नरसेवा नारायण सेवा, जिसमें 100 से अधिक परिवार आप सबके सहयोग से विश्व प्रेम मिशन परिवार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और 100 से अधिक बच्चे जो पढ़ना चाहते थे शिक्षाहीन थे, क्यों? आर्थिक कमजोरी की वजह से। आप सबके सहयोग से आज वो बच्चे लगभग पिछले 1.5-2 साल से विश्व प्रेम मिशन परिवार की तरफ से पढ़ाए जा रहे हैं। राधे राधे भक्तजनों, आज है हम श्री प्रेमधाम आश्रम, जहाँ की खास बात है दिव्य प्रसाद। दिव्य प्रसाद जिसने ना सिर्फ लोगों की डायलिसिस बल्कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ भी दूर की हैं। इस दिव्य प्रसाद की खास बात यह है कि ये श्री प्रेमधाम आश्रम में निःशुल्क मिलता है। इसकी शुद्धता पे खास ध्यान दिया जाता है। दिव्य प्रसाद के साथ साथ गुरु जी के प्रवचनों का भी लोगों पे बहुत ही असर देखा गया है। तो आइए जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं से कि उनके जीवन में गुरु जी के प्रवचनों और दिव्य प्रसाद का क्या असर हुआ है। प्रसाद के सेवन के बाद हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं। जैसे मेरे पिताजी, वो मांस मछली खाया करते थे, पर जब से उन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया है, प्रसाद को ग्रहण करना शुरू किया है, उन्होंने बिल्कुल भी छोड़ दिया। अब हमारे घर में ना तो ये चीज़ें आती हैं, ना बनती हैं, ना कोई खाता है। जैसे कि मुझे कान बहुत महसूस होती थी, शरीर में दर्द रहती थी, वो बहुत हद तक ठीक है। मुझे मेरा बच्चा मेरे से बोलता नहीं था, लेकिन वो बच्चा आज मेरे से नज़र मिलाता है। मुझे इतना मुझे कुछ आया है फर्क, और भी मैं गुरु से मिली नहीं। मैं दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाता था, करीब में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से दवा खाता था, लेकिन अब दवाइयाँ मेरी घट करके बस एक आधी रह गई है, बाकी अब कुछ नहीं बचा है। मुझे पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम थी जी। और उसको मैंने लगातार लिया जी। वन मंथ के बाद वो ठीक हो गया। एक तो अपना माइंड पॉजिटिव रहता वा, नेगेटिविटी जमा नहीं आती, मेडिसिन की लोड़ नहीं पैंदी, एक दिव्य प्रसाद नाल आपां ठीक रहने। एक्चुअली मेरे मदर को डॉक्टर ने बोला था कि उनकी हार्ट सर्जरी होगी, लेकिन हम यहाँ पे आए, उन्होंने एक वीक खाया, उसके बाद वो खुद चलना शुरू हो गए। मुझे शुगर थी जी। वो अब ठीक लगती है, काफ़ी कुछ सुधर गया है, कैसे काम काज भी अच्छा हो गया है और अपनी बॉडी में भी अच्छा हुआ है। तो मैं अपने दिमाग के लिए लेके जाता हूँ, उनके जीवन में बहुत फर्क पड़ा है उनको जी। उनको करनी उनकी किडनी खराब थी उन्होंने, तो वो चल फिर नहीं सकते थे, हूँ अपने आप सब कुछ चलते फिरते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास एक मकान भी नहीं था और मेरे पास साइकिल भी नहीं था, आज मेरे पास दो दो गाड़ी है और इतना बड़ा मकान है कि मैं सोच भी नहीं सकता। दिव्य प्रसाद दे नाल जो मेरी हार्ट बीट की प्रॉब्लम सी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत बदलाव आ रहे हैं राजे, बहुत मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं रहती थी जी। अभी 3-4 दिन हो गए हैं तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊँगी। 3 साल हो गए, कभी सोई नहीं थी, बहुत डॉक्टरी इलाज कराया, बहुत मैंने मतलब बाबा के पास लेके गए, चौकियाँ लेके गए, फिर ये हमें पता लगा, हम जहाँ पहले एतवार आए ना, तो उसी रात को मेरे को ऐसे लगा कि मेरी थोड़ी नींद आ रही है, अब मैं सो जाती हूँ रात को, मेरे को कुछ नहीं होता। मेरे पैर में बहुत जलन थी, शुगर ब्लड प्रेशर था जी। हाँ, तो पैर वाला जलन आज थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है। बहुत असर हुआ है, घर में परिवार सब ठीक खुशहाल है, शांति है, कारोबार भी चल रहा है, तो हमारी सेहत वो भी सब ठीक है। अभी हमें शुगर बहुत ज़्यादा रहती थी जी। वो अब पहले 350 थी जी। अब 120 रहती है, अब बीपी भी कम हो गया। मैं अपनी मिसेज के लिए लेकर जाता हूँ, उनकी किडनी ख़राब थी जी। पहले तो ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे प्रसाद खा रही हैं उसके बाद यानी कि काफ़ी कम हो गई हैं, जैसे कि जितनी थी उससे काफ़ी कम हो गई है, इसलिए मेरे को बहुत फायदा हुआ है जी। तो मैं तो गुरुदेव का बहुत दास हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा मतलब मेरे घर में सब सुख शांति सब कुछ ठीक है। तो ये थे कुछ भक्तजन जिनसे बातचीत के दौरान पता चला है कि गुरु जी के प्रवचनों ने और दिव्य प्रसाद के कारण उनकी बीमारियाँ दूर हुई हैं, उनकी नेगेटिविटी दूर हुई है, उनके घर में पॉजिटिविटी आई है। मानव सेवा जो करे वो सदा सुख पाए, मन की शांति उसे मिले, जन्म सफल हो जाए। जय श्री प्रेम धाम। श्री प्रेम धाम आश्रम का एक ही मकसद, भूखे को रोटी खिला, प्यासे को दो पानी, उनके आशीर्वाद से कभी ना हो हानि। विश्व प्रेम मिशन परिवार एक ऐसा परिवार जो नर को ही नारायण समझकर
हर बेसहारा का सहारा बन रहा है। श्री प्रेम धाम का हमेशा एक ही प्रयास रहता है, ज्यादा से ज्यादा निर्धन वर्ग की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हों। वो बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, कमजोर वर्ग, अनाथ, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, जो कितने ही दिन भूखे रहकर पानी पीकर एक सहारे की आशा में जिंदगी जी रहे हैं। शैसे है बेटा, बच्चे कमांदे नहीं थे, ठीक है जी। हाँ, ते इस परेशानी से राशन लेके जा रही हूँ, ते छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जरूरी बेटा पेट भरना उनका। जिदन इतों राशन मिलने लगा, पेट भर के रोटी खाने हैं, ठीक है जी। और विधवा औरतें, ठीक है जी। हाँ जी, ते कोई पुत नहीं किसी को पुछता, कोई किसी को कोई नहीं पुछता। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਚੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੀਦਾ ਬਾਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ 100 ਸੇ ਅਧਿਕ ਸਤਰੀਓਂ ਕੋ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਮਗਰੀ, ਜਿਸਮੇ ਲਗਭਗ 50 ਵਸਤੂਏ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਭਵਿਸ਼ਯ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਹੀਨ ਰਹਿ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਐਸੇ 100 ਸੇ ਅਧਿਕ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ, ਅਸਹਾਇ ਔਰ ਅਪਾਹਿਜ ਲੋਕ, ਜਿਨਕਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਨੇ ਮੇਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਇਲਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਤੇ ਹੈ, ਗਾਏ ਮਾਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇ ਬੜਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਗਾਏ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾਏ ਭੂਖ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕਚਰੇ ਮੇਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਥੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਾਟਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਤਲਖਾਨੇ ਭੇਜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਮੇਂ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਮੇਂ ਵਹ ਸਵਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੁਕੇਸ਼ਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਹੇਤੂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਔਰ ਰਾਮ ਕਥਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਮ ਮੇਂ ਆਏ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਰੁਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾਏਂ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਤੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਮਹਾਂਯਗ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹਮ ਸਭ ਇਸ ਮਹਾਂਯਗ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮੋ ਕੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕਰ ਕਿਸੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਬਨੇ। ਵੋ ਲੋਕ ਜਿਨਕੋ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਆਪਕੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਸਹਾਰਾ ਬਨਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਮੇਂ ਸਵਯਂ ਕੇ ਲੀਏ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜੀਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਹਾਯਗ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਬੇਸਹਾਰੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਬਨਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਆਸ਼ਰਮ, ਕਾਕੂਵਾਲ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।